नमस्कार सभी लीडर्स को और इस सेशन को अटेंड करने वाले सभी एटमियंस को। मैं पूनम टीम मेहर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस मुबारक मौके पर हम सभी भारतीय आज़ादी को देश के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, एटमी में आज़ादी क्या है? एटमी की आज़ादी हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने का मौका देती है। एटमी की आज़ादी हमें निडर होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है। आज़ादी एटमी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। दोस्तों, मैं भारत की एक आज़ाद नागरिक होने के साथ साथ गर्व महसूस करती हूँ कि एटमी के कारण मैं आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ती जा रही हूँ, और इसका क्रेडिट मैं अपनी एटमी की टीम मेहर और अपनी लीडर गीता दीदी को भी देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज़ादी से काम करने का मौका दिया। एटमी टीम मेहर एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार है, जिसने मुझे और मेरे जैसे और भी साथियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। मेरा एटमी का आज तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और दुनिया के 24 देशों में अपना बिजनेस करने की आज़ादी भी मिली। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं एटमी के तमाम लीडर्स का और टीम मेहर का, जिन्होंने मुझे अपने पर भरोसा करना सिखाया। तो एक बार फिर आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएँ। अब मैं कंपनी के मोटो के साथ सेशन को आगे बढ़ाना चाहूँगी। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी अपनी ग्रेट लीडर प्रतिभा दीदी को, जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो आएं और हमें बताएं कि एटमी में हमें और क्या सीखने को मिल सकता है और हम एटमी से क्या पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पूनम जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप जब बहुत दिन बाद बोली, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। धीरे धीरे हम देख रहे हैं हम सब कितने बढ़िया ग्रूम होते ही चले जा रहे हैं, हम सब की कॉन्फिडेंस लेवल कितनी बढ़ती ही चली जा रही है। तो दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे आज हमारे पास स्पीकर्स हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में इतना ही बताना चाहूंगी कि मुझे जब ये एटमी का समझ आया था, बिजनेस जब मिला था, उससे पहले मैं 14 साल तक सिर्फ एक कंज्यूमर थी। बहुत सारे MLMs आए, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग आए, उनमें मैंने कभी बिजनेस में हाथ नहीं डाला। पहले जरूर डालती थी, पर लेकिन पिछले 14 साल की मैं बात कर रही हूँ, मैंने कोई भी बिजनेस करा ही नहीं। हाँ, उनके अच्छे प्रोडक्ट्स की मैं कंज्यूमर जरूर थी। जब एटमी आया तो उसमें मैंने हर वो चीज देखनी चाहिए जो कि मुझे पिछले बिजनेसेस में कमी लगती थी, या कोई कमी ही नहीं निकली। इतना परफेक्ट बिजनेस था कि ये तो मुझे करना ही था, स्पेशली क्योंकि ये 3 generations के लिए है। ये सिर्फ 3 generation अपनी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, वो नहीं, हम जितने लोगों को लेके आ रहे हैं, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, धीरे धीरे वो सभी एटॉमी में कन्वर्ट हो रहे हैं, एटॉमी बिजनेस में आ रहे हैं। आप सोचिए, एज अ सोसाइटी हम सब के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि इंडिया में मैक्सिमम लोग एटमी ही बिजनेस कर रहे होंगे, और वो 3 levels 3 generations को सिक्योर कर चुके होंगे, तो हम अल्टीमेटली देश के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच पूनम जी, बैक टू गीता जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपको हमेशा सुनना बहुत ही बेहतरीन होता है। हर बार कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए एक नोटिंग पॉइंट होता है, जो हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ जब कोई भी सेशन को अटेंड करते हैं, पर्पस एक ही है। इतने सारे सेशंस को रखने का पर्पस सिर्फ एक ही है, चाहे स्पीकर सेम है, लेकिन उस वक्त वो क्या कहने वाले हैं हमें उसे अडाप्ट करना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड पूनम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे ही हमने अपने टैलेंट को, अपने टीम की टैलेंट्स को आगे लाना है, और आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो वो टीम के डुप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट करेगा। सो लीडर्स, आपका बहुत स्वागत मेरी तरफ से संडे के शॉर्ट एनक्रेज सेशन में। जैसा प्रतिभा दीदी ने बताया, वो एटमी में क्या देखती हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनके पॉइंट को अपने पास, अपने ग्रोथ माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो एक डायरी रखी हुई है, उसमें नोट डाउन जरूर किया होगा।
आज हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स हैं दोस्तों। मैं बुलाना चाहूंगी बद्री प्रसाद जी को एज नेक्स्ट स्पीकर, जो पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। मैं सर को सुनना चाहूंगी, हम सब सुनना चाहेंगे कि बीइंग इन द गवर्नमेंट काइंड प्रोफेशन, उन्होंने एटमी में ऐसा क्या देखा जो वो इसके साथ लॉग इन हुए। सो बद्री प्रसाद जी, आपको होस्ट हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कहें। वेलकम। थैंक यू लीडर, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं इतने वार्म वेलकम के लिए। मैं आन बे हूं, ऑफिस जा रहा हूं। लीडर्स, मैं ज्यादा इधर उधर की बात ना करके, कुछ समय भी कम है, पता नहीं कितना समय दिया गया है मैं। सर अपनी बात कहें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। देखिए साथियों, हम लोग जहां से भी हैं, जो भी हैं, या जो कर रहे हैं, ये जो करेंगे भविष्य में, ये सब चलता रहेगा। एटमी है और नहीं है तो इसमें कोई दो राय नहीं। होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कुछ जो मैंने अब तक समझा वो मैं कुछ आप लोगों के सामने जरूर कह सकता हूं। देखिए साथियों, ये संसार में सारी दुनिया हमारी आज की तारीख में मुट्ठी में है थ्रू इंटरनेट। तो आज के तारीख में हम लोग सभी लोग कहीं से भी सामान मंगा लेते हैं, उसको डॉलर में पे कर देते हैं और उसको मिल जाता है। कहीं से इसलिए मंगा लेते हैं जो हमें सामान अच्छा लगता है, उसके लिए हम उतावले हो जाते हैं कि आज मैं सामान इसको यहाँ पे ऑर्डर किया। एक मनुष्य की एक स्वयं की अंदर की एक सोच है, इसको कोई कहता नहीं कि आप अमेरिका का सामान मंगाइए, इंग्लैंड का सामान मंगाइए, जापान का सामान मंगाइए। हमारे इर्द गिर्द घर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो विदेशी कंपनियों के सामान भरे पड़े हैं। अगर सामान नहीं तो विदेशी टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द भरी पड़ी। यूं कहें जो इस मोबाइल का है, कहने का ऐसा ये है कि संसार में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सामान का बिकना और सामान का बनना। पहले तो सामान का बनना बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा सामान का बिकना। इन्हीं दो चीजों को लेकर सारा विश्व अपनी अर्निंग कमा रहा है, चाहे युद्ध के क्षेत्र का सामान हो, चाहे सामान मानवीय के जीवन का सामान हो, वो कहीं बनता है फिर कहीं बिकता है। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि बड़े बड़े युद्ध जो किए जाते हैं, जो संचालित किए जाते हैं, उसके पीछे ही लॉजिक होता है कि हमारे देश की रक्षा सामग्री बिकेगी, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपये में होती है, ट्रिलियन डॉलर में होती है। तो आप सोचिए कि बड़े बड़े सिस्टम इसलिए जनरेट किए जाते हैं कि उनके देश के तमाम रक्षा उपकरण बिके और उस युद्ध में काम आवे जो एडवांस टेक्नोलॉजी में बने हुए हैं। यानी कि मतलब सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ है, वो सामान के बिकने पर निर्भर करती है। और एटॉमी हमें मौका देती है ऐसे सामानों को बेचने के लिए जो इस धरती में अभी तक बन नहीं पाया है। बनना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बना होगा तो हमको आपको नहीं मिल रहा है बेचने के लिए। हो सकता है अमेरिका बेचता हो, सकता है रूस बेचता हो, लेकिन आम जनमानस को बेचने का अवसर वो दे रही है टॉमी हमको और आप। साथियों, मुझे जो है दिसंबर, यह जो लास्ट वीक का है, यूं कहूं जनवरी, 1 जनवरी या 28-29 दिसंबर से हमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया और यूरिन इन्फेक्शन में लगातार एंटीबायोटिक चलती रही और मुझे ब्रेक नहीं मिला। ब्रेक का मतलब जैसे दवा बंद हो, फिर चौथे दिन फिर यूरिन इन्फेक्शन शुरू हो जाता था। और मैं लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर को दिखाता था, डॉक्टर दिवाकर दलेला, जिनके यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दिखाने आते हैं। और जब हीमो हिम लॉन्च हुआ तो मैंने उसी वक्त ऑर्डर किया और जब मैंने उसको खाया तो हमारे वो जो ब्रेक लगा यूरिन इन्फेक्शन में, वो लगा है लगभग 20 दिन खाने के बाद ब्रेक। और आपसे मैं बता नहीं सकता, फिर डॉक्टर दिखाया तो उन्होंने इन्फेक्शन की जो दवा देते थे एंटीबायोटिक उन्होंने बंद कर दिया। और साथियों, इतना मुझे अच्छा फील हुआ कि मैं आपसे बता नहीं, मैं सोचता था क्या मेरा जीवन खत्म हो जाएगा क्या। जब कहीं मैं सुनता था कि इसकी मृत्यु यूरिन इन्फेक्शन से हो गई तो उसको मैं फर्ज करना शुरू कर देता था क्या क्या हुआ यूरिन इन्फेक्शन में। और मैं बता नहीं सकता था
कि मैं नात रिश्तेदारी जाना बंद कर दिया, कहाँ यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए और कहाँ मैं बाथरूम करने भाग भाग दौड़ू, और उसमें बहुत ज्यादा चिलकन नुमा दर्द होती थी। और मैंने झेला आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि मतलब जुलाई तो नहीं कहेंगे जून तक, 6 महीना 1 हफ्ते लगातार झेला मैंने, दिसंबर से शुरू हो गया था। और एक ऐसी व्यथा बीमारी है कि किसी से आप कह नहीं सकते हैं। आदमी कहेगा, पुरुष कहे कि हमारे यूरिन रिएक्शन है, तो लोग कहेंगे तो लेडीजों को ज्यादा होता है, तुम्हें क्यों इतना हो गया, ऐसी आम चर्चा आम धारणा है। लेकिन साथियों, रोग किसी को कहीं भी कहीं पर हो सकता है। और मैंने जब हीमोहिम खाया, एक टाइम खाता था सिर्फ मॉर्निंग में, उठते माने एक पाउच उसको ले लेता था, और 20-25 दिन के बाद उसमें ब्रेक लगा और मैं आज हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। बहुत साथियों, इसी तरफ देखिए हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी में देखिए आपका ये है, बॉडी लोशन पड़ा रहता है हमेशा, इसको मैं कहीं जाता हूँ तो अपना गाड़ी में अपना लगा लिया, हाथ में या कहीं भी लगा लिया। अब गाड़ी में कुछ और भी सामान रखे रहता हूँ, जैसे छोटे छोटे सामान रखे रहता हूँ, कहीं कोई मिल गया तो इसको दे दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कि मैं कोई टाटा बिल्ला जैसे टर्नओवर कर रहा हूँ या बहुत ज्यादा सामान बिक रहा हूँ, लेकिन एक जागरूकता है, एक सोच है कि अगर मैं ऐसे धीरे धीरे करता रहा तो हमारे ग्रुप में लोग आएंगे, लोग तो है ही है, आएंगे नहीं, लोग हैं, लोग काम करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी को संजीवनी बूटी हाथ लग गई हो तो जरूर बताएगा, आपके हाथ में या हमारे हाथ में जो हीमोहीम है साथियों, वो संजीवनी बूटी है। हाँ, दाम की वजह से लोगों को हास्यास्पद लगता है, बेईमानी लगती है, लेकिन जब आप सही इंसान को उसे आप बताएंगे, सही इंसान को देंगे, तो मुझे विश्वास है कि उसका जीवन में बहुत ज्यादा क्वालिटी वाइज उसके जीवन में मजबूती आएगी, और वो आपको हमको सभी को दुआओं देगा। तो साथियों, हमको आपको अपनी दुआओं के लिए भी काम करना है, सही चीज सही लोगों को बताना है, झूठ नहीं बोलना है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, जो लोग सोच रहे होंगे एकाएक लखपति करोड़पति बन जाऊं, साथियों तो संभव नहीं है। जब हमने नौकरी शुरू किया तो तब तनख्वाह थी, अब इतनी तनख्वाह है बता दूं तो मैं सोचता हूं मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो धीरे धीरे उन्नति के द्वार खुलते हैं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। हवाई जहाज जब शुरू में उड़ान भरता है तो बहुत आवाज करता है, लेकिन जब ऊपर चला जाता है तो आवाज वो बहुत साइलेंट कूल हो जाता है, ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। तो इसको आपको हमको फीलिंग महसूस करना होगा, और जो है बहुत ज्यादा उत्तेजना में इधर उधर भागिए, भागने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, आप फोर्स का सौदा करिए, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी कह रही हमको बेचिए, आप सोना बेचिए कौन मना कर रहा है, आप हीरा बेचिए कोई नहीं मना कर रहा है, आप जो इच्छा चाहे उस देश में आप बेच सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं है। लेकिन अगर इसमें आप धीरे धीरे हम आप लगे रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि लीडर लोग गाइड करते रहेंगे, और ऐसा मेरे अंदर की अंतरात्मा की आवाज है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने खुद यूज किया, तो उसका फायदा अगर हमें मिल सकता है तो इस देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 एंटीबायोटिक एक एक दिन में खाते हैं। मुझे भी 2-2 एंटीबायोटिक डॉक्टर ने कुछ दिन दिया था, बहुत हाईवी डोज होते हैं, जो मैं खा लेता था तो मेरी अंतरात्मा छपटाया करती थी, लेकिन एंटीबायोटिक खाते खाते मैं ऊब गया 6 महीना। जब हीमोहिम खाया तो एंटीबायोटिक में उन्होंने ब्रेक लगाया, और ब्रेक पूरे 1 महीना लगाया, फिर 1 महीना बाद फिर हमने दिखाया तो उन्होंने ब्रेक ही लगा दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें फायदा हुआ तो किसी और को होगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप 100 लोगों को देंगे, 10 लोगों को देंगे तो 8 को फायदा होगा। अगर 8 को फायदा होगा तो 8 आदमी हमारी तरह चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि भैया मुझे इससे फायदा हुआ है। अगर 5 को फायदा हुआ तो वो भी चिल्ला चिल्ला के बताएगा हमें फायदा हुआ है, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास मैं गया था रोज फीस लेते हैं 700 रुपया, अन्य डॉक्टर 5 दिन की प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और डॉक्टर पे हमारे रोज फीस लेते हैं, जैसे आज दवा लिखी तो 700 रुपया, कल जाइए तो भी 700 रुपया। तो सोचिए मैंने कितनी उनको फीस दिया, 10-20 हजार तो मैंने फीस दे चुका था, क्योंकि इलाज लिखते होते कहते थे इसको जांच करा के लो, जांच कराया दूसरे दिन फिर भेज दिए 700 रुपया। तो साथियों, इसके बारे में हमको आपको सोचना है, समझना है। ये देखिए हमारे बाल आ गए हैं आगे के, हालांकि टकला गया नहीं है लेकिन ये बाल आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मतलब बहुत कुछ हुआ है, बहुत घने बाल हो गए हैं, कोई मैं हीरो बन गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एटॉमिक प्रोडक्ट काम करते हैं, ये अब विश्वास हो गया है। और इस विश्वास के साथ आप लोग लगिए, हम लोग सभी लोग मिलकर अच्छा काम करें, अच्छा माहौल बनावें, और इस देश में जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गलत कंपनियां आ गई हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं और ठग रही हैं, उस पर विराम लगेगा। मेरा संक्षेप में इतना ही वक्तव्य है, क्योंकि मैं कोई
साहित्य का स्टूडेंट नहीं हूँ कि बहुत कुछ अच्छा बोल सकूँ। एक नौकरी पेशा वाले की बोलने की एक भाषा और शैली एक सीमित होती है, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमको मौका दिया, और जब भी मौका मिलेगा मैं बोलता रहूंगा। लेकिन इतना जरूर सभी से कहूंगा कि इसके प्रति निराश न होइए, अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताते रहिए, एक दिन आपको जरूर जरूर हमको मिलेगी, आपको सभी को तरक्की के अवसर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही उम्दा, ये वही शब्द हैं जो हमें फील्ड में सच में काम आएंगे। कितना भी डिटेल्ड हम प्रोडक्ट की जानकारी ले लें, जब तक उस प्रोडक्ट को फील किया हुआ हमारा वर्ड्स, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा कॉन्फिडेंस साथ नहीं चलेगा, सब चीज धरी ही धरी रह जाएगी। तो अगला मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ हैं श्री राम सरोज जी। उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो एट प्रेजेंट जितने भी पार्टिसिपेंट है उसमें सबसे यंगेस्ट एटमियन है। सर प्लीज आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें, आप को होस्ट हैं, और अपने बारे में बताते हुए ये हमारे साथ शेयर करें कि आप एटमी में क्या देखते हैं, आपकी नजर में एटमी क्या है। राम सरोज सर प्लीज, आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो सर, वेलकम सर। हाँ, वेलनेस मॉर्निंग मैडम। नमस्कार सर। हाँ, आर यू एबल टू लिसन मी प्रॉपरली? सर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं संक्षिप्त विवरण में अपने विषय में आपको पहले देना चाहता हूँ, उसके बाद और सारी बातें करेंगे। जी सर, मेरा नाम राम सरोज है, मैं मुंबई थाने में रहता हूँ, और मैंने मास्टर डिग्री झुंझुनवाला कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया हूँ, और मेरी लाइफ का शुरुआत मैंने इंडियन नेवी से किया। 1971 के बाद में भी मैंने सहभागी था। इसके बाद मेरी दूसरी सर्विस MTNL महानगर टेलीफोन निगम में हुआ, जिसमें मैंने डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्टक हासिल किया। उसके बाद 2007 में मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद अभी मेरे को 60-70,000 पेंशन मिलती है, लेकिन इस समय के दरमियान मैंने जो भी कमाई किया मैं अपने लाइफ को बिल्कुल कंप्रोमाइज करके व्यतीत किया, क्योंकि सरकारी नौकर को आप जानती है कि कितने पगार पाते हैं, उसी पगार में उनका परिवार चलाना, घर चलाना, यह सब होता है, तो लिमिटेड पगार रहते हैं, तो लाइफ में कंप्रोमाइज लाइफ ही मैंने व्यतीत किया। बीच में हमारे एक फ्रेंड है मिस्टर पासी, RR पासी, और गजुला सर हैं हमारे अपलाइन, उन्होंने मेरे से एकाएक कांटेक्ट किया, मैं घर में ही था, बताने लगे एटामी, मेरे को कुछ समझ में, एटामी क्या बात कर रहे हैं। एटामी के विषय में बताते हुए उन्होंने कुछ अपने प्रोडक्ट दिखाए और सिस्टम को बताए, अपने हैंगिल पार्क सर के विषय में भी बताए, और साउथ कोरिया का नाम लिए, तो साउथ कोरिया का नाम तो मैं पहले से जानता था कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ईमानदार देश है, जो कि हमेशा लोगों के प्रगति के लिए ही काम करती है। तो उनके प्रोडक्ट को देख करके मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा असर पड़ा, मैंने इमीडिएट उस असाइन कर लिया कि यस आई विल डू इट, और मेरा लक्ष्य उन्होंने बताया कि इसमें रहते हुए आप अपने सारे लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं जो कि अभी तक आप अधूरे छोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया फ्रीडम, आप फाइनेंशियल फ्रीडम और थ्री जनरेशन का प्रॉफिट उन्होंने बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो इमीडिएट मैंने करीब 50-60 हज़ार का प्रोडक्ट एट वंस ले लिया, जिसमें एब्सोल्यूट स्किन केयर था और फेम था और आपका ये पोमोग्रेनेट था और अलगा ओमेगा थ्री था, न्यूट्रासिटिकल, और बहुत से प्रोडक्ट, करीब 1,00,000 का प्रोडक्ट मैं अभी तक ले चुका हूँ, और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से था और मैं यूज कर रहा हूँ। कंपनी का एक चीज़ हमको अच्छा लगा, इस सामान को हमको किसी को बेचना नहीं, हमें खुद यूज करना है, ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि हमको व्यापार किसी को बेच जा करके घर घर बेचना नहीं है, ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। उस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ और इसका जो असर मेरे ऊपर पड़ रहा है उस चीज़ को मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ऑटोमेटिक लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। अभी 5-6 महीने के अंदर करीब 50-60 लोग मेरे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, पहले वो हमारे कस्टमर थे, यूज करते थे, यूज करने के बाद उनको अच्छा लगा, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जरिए करा लिए, और 50-60 लोग काम कर रहे हैं। तो
इस कंपनी के विषय में हमें इतना आइडेंटिफाई करें कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, इट इज बून, ये बोलेंगे कि सातवां अजूबा यह है हमारे देश को जो दिया गया है, हमारे देश में कितनी बेरोजगारी चल रही है। तो यदि कोई आदमी अपने इच्छा को पूर्ति करना चाहता है तो अटामी को ज्वाइन करके अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकता है और भारत की बेरोजगारी का भी समाधान निकाल सकता है। तो इतने बात के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से हमारे को है जो बोलना चाहेंगे। तो गीता मैम और प्रतिभा मैम, ये सबको मेरा नमस्कार, और जितने भी टीम में ज्वाइन हुए हैं सबको मेरा साष्टांग नमस्कार। और मेरी एज इस समय 76 चल रही है, आई एम द यंगेस्ट मैन आई थिंक इन द टीम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सो लीडर्स, देखिए ये है स्पिरिट, ये है जज्बा, ये है पैशन। जरूरी नहीं है कि हम आटमी में पैसा कमाने के लिए आए हैं, बहुत कुछ है जो हमें आटमी से मिल सकता है और मिल रहा है, यही जानने की श्रृंखला है आज का सेशन, आजादी का महापर्व। इन टोटालिटी हम आटमी में कैसे देखते हैं। एक छोटा सा इसमें हम थोड़ा सा चलते हैं कहीं और, आपको ले चलते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां के जरिए हम सब आपके साथ जुड़े हैं, वो है स्पीकिंग ट्री का एक छोटा सा हमारा मुहिम, जिसके थ्रू हमने कोशिश की कि हम आप लोगों के साथ जुड़ें और कुछ ऐसा करते चलें जिससे कि हम कुछ बदलाव ला पाएं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लगा कि चलिए अलग चलते हैं। तो एक छोटा सा कम्युनिटी बनाया गया स्पीकिंग ट्री। आपके सामने स्क्रीन पर एक पोल है, आप देख रहे हैं इसमें 94 पीपल हैव व्यूड, 94 लोगों ने इस पोल को देखा और 38 लोगों ने इसमें वोटिंग की। ये दो सवाल, ये जो एक सवाल है इसके दो जवाब में से ही जवाब था, उसके बावजूद 94 में से सिर्फ 38 लोगों ने ये सोचा या ये प्लान किया कि हमें इसमें वोटिंग करनी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जब हम एक वोट जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में है उसको डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या हमें आटमी में फाइनेंशियल फ्रीडम दिख रही है या नहीं दिख रही है, हाँ या ना, उसमें भी बहुत दुविधा थी। तो अभी लाइव, जैसा लास्ट संडे मैंने किया था, मैं लाइव इसको वोट कर रही हूँ, मेरे वोट के बाद आप देख रहे हैं 87% लोगों ने कहा हाँ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम एटमी में एक जरिया, एक रास्ते के तौर पर दिखता है। सवाल ये नहीं था कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, सवाल ये था क्या आप इसे एक जरिया मानते हैं। सो उसमें से कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा, 34 लोगों ने कहा हाँ और 5 लोगों ने कहा नहीं, उन्हें नहीं लगता, क्योंकि जिन्हें नहीं लगता उनका भी स्वागत है, क्योंकि हम किसी को भी जज करने के लिए नहीं है, हम कौन होते हैं जज करने वाले। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं, मैं बुलाना चाहूंगी मोनिका भारद्वाज जी को, जो पेशे से लॉ की स्टूडेंट है, वो अभी पढ़ाई कर रही है, करियर अभी स्टार्ट होना है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने एटमी को जब ज्वाइन किया तो इसमें क्या दिखा। सो मोनिका जी, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू गीता मैम, एंड मैं यहाँ पर आप सभी को नमस्कार करती हूँ इस सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे। जो लोग कहते हैं हमारे पास कुछ शब्द होने चाहिए हर किसी से बात करने के लिए, तो मैंने जब एटोमी ज्वाइन किया था तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं एटोमी उन लोगों के लिए भी बिजनेस है जिसके पास पैसा नहीं है एग्जैक्टली। तो फ्री में ये बिजनेस हो रहा है, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको सिर्फ उसका उतना ही अमाउंट पे करना होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एटोमी की किसी भी कंट्री में एज अ ट्रेवल करें या एज अ टूरिस्ट जाके भी अपनी टीम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम इस एटोमी एक ऐसा बिजनेस है जो हम एक न्यूनतम परिवार से लेकर उच्चतम परिवार जिनकी इनकम उच्च है वहां तक इस प्रोडक्ट को हम शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस के साथ। और सबसे अच्छी बात क्या है, एटोमी में हम कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं, तो इसमें हर कोई फ्री है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदा जाना है,
हर किसी को हम थोड़ा सा गाइड करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट यूज होता है। और इसी के साथ हमारे पास ये भी कुछ वर्ड्स हो, वोकैबुलरीज हो, जैसे हमें डॉक्टर से बात करना है तो हमारे पास वर्ड्स ये होने चाहिए, सर हमारे पास हमारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है तो कि हमारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं या कुछ हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड हमारे पास हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे, जिससे कि जिसके साथ साथ यह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो डॉक्टर्स के लिए हमारे पास इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। एंड इसी के साथ यदि हम किसी सलून पे जाते हैं, किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो वहाँ पे हम हमारी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, हमें वहाँ पर ये बताना होता है हमारे पास हमारे प्रोडक्ट, हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके डेमो के लिए हम आपके पास आए हैं, जिसके टेस्टिमनी के लिए हम आपके पास आए हैं, अगर आप उनको एक बार यूज करेंगे तो आप उनका बेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ आप अपने सेल्फ सलून के साथ साथ एटोमी में से भी इनकम ले सकते हैं, आपका ग्रो कर सकते हैं, आप इसके लिए इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ साथ चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, हम इसको स्कूल में जाके भी उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर कर सकते हैं, उनकी स्किन के रिगार्डिंग अवेयर कर सकते हैं, ऑब्वियसली उनके कैरियर के रिगार्डिंग अवेयर कर सकते हैं। एटोमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लीडरशिप का जो है अपना एब्सोल्युटली देखते हैं, किस तरीके से लीडरशिप हम हैंडल कर सकते हैं, अप टीम डाउन टीम को किस तरीके अप टीम से किस तरीके से सीख कर डाउन टीम को किस तरीके से हम बता सकते हैं, और किस तरीके से हम एटोमी में अपने लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यही सब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एटोमी के सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ऑब्वियसली ओवरऑल द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। तो बात करते हैं हम प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स को एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस है, हमने खुद स्वयं यूज किया है सभी प्रोडक्ट्स को, जिसकी कोई दो राय नहीं है। और सबसे बेस्ट है अगर कोई कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप अपना सिंगल वन फेस्ट पर ही यदि काम करेंगे तो आपके आज नहीं तो कल सभी लेवल्स भी अचीव होंगे, धीरे धीरे आप एटोमी में फाइनेंशियली फ्रीडम हो ही जाएंगे, ये मैं आपको गारंटीड कहती हूँ, क्योंकि कंपनी इथिकल है, लिस्टेड है 101%, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, अगर जाने वाली होती तो 21 से 27 कंट्रीज़ों में सक्सेसफुली रन ना कर रही होती, इतने सारे अरबपति और करोड़पति एटोमी में ना होते। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना 101% जो भी टैलेंट आपके पास है फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टेज पर आइए, अपने टैलेंट को यहाँ पर उजागर कीजिए, किसी की मदद कीजिए और किसी से मदद लीजिए, और जो आपका दिल करे यहाँ पर अपना परफॉर्म कीजिए। एंड नाउ अगेन माइक ओवर होस्ट टू गीता मैन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एटोमियंस टू अचीव देयर लेवल्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी। लीडर्स देखिए कि हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का कैसा एक नजरिया है, क्या वो शब्द हैं, क्या वो वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी अपने ग्रोथ माइंडसेट की डायरी में प्लीज नोट करते जाइए, क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे वो आपके ब्रेन में छप जाएगा। नोट्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी रिजवाना समा मैम को। रिजवाना समा मैम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप उनसे उन्हें सुनते सुनते उस ग्रेट पर्सनालिटी को फील कीजिए और देखिए कि कैसे एटमी हर किसी को एक बराबर आगे बढ़ने का मौका देती है, और उसके बावजूद अगर कोई ये कहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो कमी कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं है। सो रिजवाना मैम प्लीज आप आए और अपनी बात कहें। वेलकम सभी का, और सबसे पहले मैं गीता मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे लाए और बोलने का मौका दिया उसके लिए, और पूरी टीम मेयर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सबको। जय हिंद जय भारत। हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे ग्रेट अपलाइन को सारे जितने भी स्पॉन्सर हैं मेरे उनको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि जब तक मुझे वो अपॉर्चुनिटी ये नहीं देते तो इसके अलावा मैं और कोई काम कर नहीं पाती, मुझे इतना पता है। और मैं रिजवाना समा गुजरात से हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में एक लेडीज टेलर का काम कर रही थी अभी तक, और अभी एटोमी कर रही हूँ। तो मैं एक ही बात सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि आज कोई भी कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ तो ये मैं मान नहीं सकती, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ज्यादा कहीं घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ, फिर भी आज मैं एटोमी कर रही हूँ
और पिछले 3 साल से कर रही हूँ, तो मुझे इतना पता है कि हमारे पास जब तक कुछ नहीं था तब भी हम एटोमी से जुड़े रहे, तो आज यहाँ पे आपके सामने मैं बात कर पा रही हूँ। तो बस सिर्फ इसमें मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लगातार आप लगे रहिए और अपना जो भी समय है वो एटोमी में करते रहिए, और पूरे दिल से और लगन से काम करेंगे तो 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी। और इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बातें तो हम लोग करते ही हैं, तो बस एटोमी में भी यही करना है, तो और कुछ एक्स्ट्रा काम तो आपको करना नहीं है। और आज एक बात है कि हार्ड वर्क कोई भी नहीं कर सकता है, तो जो ये स्मार्ट वर्क हमारा जो है काम, तो हम सब कर सकते हैं, और इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, उसके बेनिफिट शेयर करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा इसमें एनर्जी नहीं लगानी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि खुद का काम खुद से करने की कोशिश करिए, और जितना काम आप खुद से करेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छा डेप में जाने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और सीखने की एक लगन है उसको आप कभी मत छोड़िए। एक बात है कि जो सीखना चाहते हैं, सीखने की लगन है, उसको 100% सफलता मिलती है। आज मुझे कुछ नहीं आता था, आप सबको पता होगा, फिर भी आज मैं सीख सीख के यहाँ पे पहुंची हूँ, और जितना भी मुझे आता है करती हूँ, और मुझे इतना पता है कि आज तक मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं आगे और भी सीखना चाहती हूँ। खुद से आईडी लॉगिन करिए, खुद से प्रोडक्ट देखिए, सारी कुछ बातें आप खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, और खुद से काम जब करेंगे तभी आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और यही बस मैं मैसेज सबको देना चाहती हूँ। तो मेरे बारे में तो आप सबको बहुत पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिल जाएगा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, सिर्फ अकेली सिंगल मदर हूँ। अभी तक मैंने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, कि हिम्मत एक होनी चाहिए आपके अंदर, और एक पेशेंट होना चाहिए। जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे और हिम्मत नहीं रखेंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पर एक बात है कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि एक ही काम में हम लगातार लगे रहे और मेहनत करते रहे, तो 100% हमें सफलता मिलती है। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, और नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार शब्द जो है कम पड़ते हैं, तो वहां साइलेंस को बहुत कुछ कहने के लिए छोड़ देना चाहिए। सो मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कुसुम राय मैम को। प्लीज आप मैम बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और आर्टमी कर रहे हैं, प्लीज बताएं आप आर्टमी को किस नजर से देखते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच, और सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुम राय गाजीपुर यूपी से। जी बिल्कुल सही बात है, एटमी हम कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, मैं तो ऐसा कहूँगी। मैंने 2020 में ज्वाइनिंग करी थी, और मुझे ज्वाइन कराने वाले डॉक्टर मिराजुद्दीन जी थे, मेरे लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, धन्यवाद करते रहते हैं हम दिली दिल में उनका काफ़ी। तो उन्होंने मुझे एडमी इससे रूबरू कराया था, और जैसा कि मैंने ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही एक ऑर्डर लगाया था, उस समय मेरी मानसिकता क्या थी कि इस जो कहते हैं माहौल में, जैसा कि एडमी है जो बिजनेस है, मैं कभी गई नहीं। अचानक से मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, ट्रस्ट इतना अधिक था उन पे कि एक बार बोलने के बाद मैंने अपनी आईडी लगा दी, मैंने एक बार सवाल जवाब नहीं किया। ये ट्रस्ट की बात थी क्योंकि बहुत विश्वास करती उन पे। तो सिलसिला आगे बढ़ा और मैंने एटमी ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप इसमें से साइट पे जाकर जो आपको सही लगे, जो आपकी ज़रूरत का कुछ सामान हो, आप परचेज कर सकती हैं इस तरीके से। हेल्प बहुत करी है डॉक्टर साहब ने मेरी, और जितने भी मेरे लीडर्स हैं सब एक दूसरे के मददगार साबित हुए हैं, जितना भी टाइम हम लोगों ने बिताया एक साथ में अभी तक का। सो स्टार्टिंग में मेरे यहाँ जब मैंने ज्वाइनिंग करी तो घर में ही प्रॉब्लम थी मेरे, माताजी पिताजी के दांत बुजुर्ग अवस्था में आप सभी लोग जानते हैं कि दांत हिलने लगते हैं, मसूड़े की जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग पहले अपने घर में और खुद पे ही ट्राई करके देखें कि जिस कंपनी से हम जुड़े हैं क्या वाकई में जो ये कहती है वो है। मीटिंग के दौरान बहुत चर्चाएं सुनी हमने स्टार्टिंग में, तो मैंने मंगाया, ऑर्डर किया, पेस्ट ऑर्डर किया। उस टाइम पे भी सबसे सस्ता वही था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम लोग पहले थोड़े से स्टार्ट करते हैं। कोई चीज़ अगर ट्राई करनी है तो कहते हैं अगर खराब भी निकल जाए तो कोई बहुत ज़्यादा मनी हमारी वेस्ट नहीं होगी, ये सोच करके मैंने वो कोलगेट ऑर्डर अपना कर लिया एडमी का। और
मुझे रोज जिद करते थे मेरे मम्मी पापा की, ले चलो दांत उखड़वा देना है, बड़ा तकलीफ दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि 3 से 4 दिन ना हमने एक पेस्ट ऑर्डर किया है वो आ जाता है तो यूज कर लेते हैं, अगर उससे बेनिफिट नहीं मिलता है तो बिल्कुल हम लोग चलेंगे डेंटिस्ट के पास, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं वही चीज हम करवा देंगे, दांत निकलवा दिया जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। मेरा कॉलगेट आया 4 दिन में, 4th दिन मुझे कोई भी प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है, ये सुविधा बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने दिया घर पे, खोला, सब भी यूज किया, मैं भी करती हूँ, मैं आज तक करती हूँ वही चीज, फेस वॉश भी मैं उसी से करती हूँ। और काफी मतलब गर्मी के दिनों में तो कहते हैं ना कि जो एक आनंद आना है, ठंडक सा महसूस होता है चेहरे पे, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने उनको दिया और उन्होंने 5 दिन रेगुलर यूज किया दोनों लोगों ने, मम्मी पापा ने हमारे, और 6th दिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है ना कि अब डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत हमें नहीं है। मैंने कहा ऐसा भी क्या भाई, कह रहे हैं कि जो कोलगेट तुमने मंगाया है ये एकदम जादू की तरह काम कर रहा है, एक तो ठंडा गर्म लग रहा था वो भी बंद हो गया, और जो ये दांत हिल रहे थे जिसको उखाड़ने के लिए कह रहे थे वो तो लग रहा है जैसे किसी ने फिक्स कर दिया हो फेविक्विक डाल के उसके अंदर। तो सुन के थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे 5 ही दिन के अंदर भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये चीज थी, ये रियलिटी थी, क्योंकि अगर कोई और कहता मैं नहीं भी मानती, लेकिन मेरे घर के लोग, मेरे माँ बाप अगर मेरे से ये बात कह रहे हैं, कोई उनका पर्सनल उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने ही खरीद के उनको दिया है, लेकिन उसकी इतनी तारीफ उन लोगों ने करी कि अब मुझे यकीन हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, वाकई मैं जो एटमी कह रही है वो धरातल पे साबित कर रही है कि नहीं वो चीज है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। तो ये पहला एक्सपीरियंस रहा एटमी में मेरा। हालांकि हम सब लोग जुड़े हैं किस लिए भाई, अर्निंग के लिए ही जुड़े हैं। तो वो चीज लेते हुए चले मैंने अपना काम शुरू किया। जैसा कि बहुत सा सुना है मैंने, लोग कुछ दिनों के लिए जैसे सो जाते हैं मीटिंग रिसीव करते करते, कुछ टाइम के लिए बीच में सो जाते हैं, फिर कोई जगाता है उनको तो फिर जगते हैं 6 महीने बाद और फिर से दोबारा से। तो बहुत से लोगों की जर्नी इस तरीके की रही कि वो अच्छी मुकाम पे पहुंच गए, इस तरीके से भी करके अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, सोने वाली कंडीशन नहीं आई मेरे साथ। मीटिंग हालांकि बीच में ब्रेक हो जाती थी, लेकिन तो पर्सनली मैं अपने घर पे हूँ, अपने ऑफिस पे हूँ, तो जो प्रोडक्ट का कहते हैं ना एक चर्चा करना, ये मैंने कभी बंद नहीं किया। इसके बारे में बातचीत, अपनी कंपनी के बारे में बातचीत, मीटिंग नहीं रिसीव हुई कोई इशू नहीं, वो मान लीजिए एक समय की कमी थी, बाध्यता थी कुछ। लेकिन अगर हम किसी से बैठे हैं, अपने ऑफिस में ही बैठे हैं, मेरा पेशेंट ही है, तो एक बार जरूर उससे इस चीज की चर्चा हम कर लेते हैं और इसके बेनिफिट बताते हैं। आज तक की बात बता रही हूँ, अभी रिसेंट की बात मैं बता रही हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस बहुत गजब का रहा, जो कहते हैं कि अचंभित करने वाला, और बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे, बहुत लंबा टाइम नहीं लेना है। और आज की डेट में जो मैं बताऊंगी आपको, शुरू में सबसे कम प्राइस का कोलगेट लिया, 25 दिन पहले एक लेडीज को मैंने हेमोहम दिया है, उनकी बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत परेशान थी, करीब 20 साल से वो परेशान थी और कई सारी डिजीज गिना दी उन्होंने मेरे से। और हालांकि वो रो भी रही थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, मजदूर लोग थे सब। तो मेरे से कह रही कि मैडम मैं 20 साल से परेशान हूँ और बहुत दवाई करा चुकी हूँ, बहुत जगह जा चुकी हूँ। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आने लगे। फिर मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हमसे जितना होगा हम करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी जो मेरे पास आई हैं मैं अभी काफी समस्या का समाधान कर पाऊंगी। मैंने उनको ये चीज तसल्ली दी और फिर मैंने उनको हेमोहिम के बेनिफिट बताए बैठाकर, आराम से मैंने समय लिया 15-20 मिनट का और सारी चीजें बताई। डिजीज में उनको क्या था, देखिए एक तो वो एनिमिक थी, हमारा हीमोइम किस किस चीज में काम कर रहा है ये एक सर्च भी हो जाता है। एनिमिक पर्सन थी, स्वेलिंग थी पूरी बॉडी में उनको, पेन रहा करता था और स्पाइनल की प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त थी, उठने बैठने में इतनी तकलीफ थी कि वो कह रही है कि मैडम मैं 20 साल से जिस तरीके से जी रही हूँ मैं जीना नहीं चाहती। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताई, हेप्टामेगैली की प्रॉब्लम थी, उनको फैटी लीवर था, सब कुछ मैंने नोट किया। और फिर मैंने कहा कि आप मेरी तरफ से तो टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट है जो चीज़ मैं आपको देने जा रही हूँ। और ऐसा करके मैंने उनको हीमोहीम मंगाया, ऑर्डर किया, हॉस्पिटल पर बुलाया, उनको दिया, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई, हालांकि अपलोड इसलिए नहीं करी है कि जब वो 1 महीने बाद मैं उनको फिर बुलाऊंगी, फिर उनका टेस्ट करवाऊंगी और जब वो सही निकलेगा उसका रिजल्ट, बातों से मेरी बात होती है बहुत ठीक है आज की डेट में। वो 15 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था खुद से और बताया था कि मैडम मैं बहुत
खुश हूँ क्योंकि मेरी बहुत तकलीफ कम हो गई है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कह रहे हैं कि बताओ इतने सालों से हम लोग इतना पैसा खर्च कर दिए, आराम नहीं मिला और यहाँ मात्र 15 दिन में हमें इतना आराम मिला है, तुम यहीं से इलाज कराओ और तुम एक पैकेट और ऑर्डर करवा लेना डॉक्टर साहब से। तो ये रिजल्ट, जब ऐसे रिजल्ट आते हैं ना तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हीमोहीम की ताकत जो है वो कहाँ कहाँ काम कर रही है। ऐसे तो मान लीजिए हम जानते हैं कि 40 से अधिक बीमारियों पे ये काम करता है, तो इसके रिजल्ट जो कहते हैं ना जादुई रिजल्ट है। मैंने उनको ये जरूर बताया था, देखिए अपना प्रोडक्ट देने से पहले उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। हालांकि थोड़ी बहुत अगर मेरे दिल में डाउट रहता है तो मैं बिल्कुल गीता मैम से बिल्कुल संपर्क में रहती हूँ, बात करती हूँ, मुझे लगता है एक विश्वास कि नहीं यहाँ से जो नॉलेज मेरे पास पास होगी वो 100% जो होती है ना सटीक मिलती है। तो हीमोहीम के बारे में मुझे कुछ डाउट था, मैंने इनसे बात करी और ठीक उस तरीके से मैंने अपने पेशेंट को रिकमेंड किया कि भाई इस तरीके से लेना है और हो सकता है 4 से 5 दिन जो आगे के 4 से 5 दिन है जब आप स्टार्ट करोगे मेडिसिन को लेना तो वो काम करेगी। ऐसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग बड़ा मकान है और झाड़ू लगाना जब स्टार्टिंग करते हैं तो एक रूम का झाड़ के उसके आगे, दूसरे रूम का झाड़ के उसके आगे कूड़ा जब लगाते हैं और बाद में फिर एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं सारे को एक जगह मिलाकर, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बॉडी में रिएक्ट करेगा, वर्क करेगा स्टार्टिंग के 5 से 6 दिनों में कि आपके शरीर में जहां जहां जो जो दिक्कत है वो सबको बाहर निकालेगा, आपको फील कराएगा कि यहाँ ये परेशानी वहां वो परेशानी। तो उन टाइम में आपको क्या करना है, हाइपर नहीं होना है, घबराना नहीं है, घबरा के मेडिसिन जो मेडिसिन भी हेल्थ सप्लीमेंट बोलेंगे बंद नहीं करना है। तो ये चीज जब मैंने उनको बता दी तो सेम चीज उनके साथ हुई थी और उन्होंने फिर मेरे को फोन किया था कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ये चीज तो हमने आपको पहले बताया था तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। फिर जब 15 दिन बाद कॉल आई तो वो रिजल्ट मिला जो मैंने सोचा था और जो मैंने उनको बताया था, तो उनको जो खुशी मिली मिली, उनसे बहुत अधिक खुशी मुझे मिली क्योंकि मेरा पेशेंट सही हुआ। कोशिश रहती है कि जो पेशेंट मेरे पास आ जाए वो निराश होकर ना जाए। तो एटमी के जरिए हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमें खुद को तसल्ली देता है। और रही बात अर्निंग की, तो मुझे लगता है प्रोफाइल पढ़े हुए तो बहुत टाइम हुआ लेकिन फिर भी एक लाइन वहां लिखी गई है प्रोफाइल में हमारे कि एटमी के जरिए 2.5 लाख से ज्यादा लोग सफल करोड़पति बन चुके हैं। अब सफल हम लोग वहां ऐड करते हैं, लिखा हुआ है कि करोड़पति बन चुके हैं लेकिन सफल ऐड किया जाता है क्योंकि जो करोड़पति बन गया है वो करोड़पति रहेगा, इस एटमी की ये खूबसूरती है। बाकी जगह क्या होता है कि पैसा आया समय के साथ कब निकल गया खत्म हो गया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है मेरे इधर रोड से, बड़ा क्राउड आ रहा है, मैं माफी चाहूंगी इन सब चीजों के लिए। सो एटमी ये चीज बड़ी अच्छी देती है हमको कि ये हमको बरकरार रखती है, जिस पोजीशन पर हम चले गए हैं, जो इनकम हम लेना चालू कर देते हैं स्टार्ट हो जाती है वो जब तक रहते हैं एटमी में, जब तक हमारा जीवन रहेगा वो बरकरार रहेगी, वो कम नहीं होती है। तो सल्यूट है एटमी को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। गीता मैम स्पेशल थैंक्स आपको जो आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, एंड ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर श्वेता मिश्रा मैम को, इन्हें हम सुनते रहते हैं और अगेन सही बात और डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगी कि हम एटमी क्यों कर रहे हैं या एटमी हमारे को क्या दे सकती है। श्वेता मैम प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू गीता मैम, थैंक्स अ लॉट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इंडिपेंडेंस डे, इस वर्ड से आप जरा कनेक्ट करने की कोशिश करें। अभी रिजवाना मैम ने बोला कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट जितने जल्दी आप अपने बिजनेस में होंगे सक्सेस उतनी जल्दी मिलेगी। और गीता मैम ने कल मेरे से बात किया कि मुझे बात करनी है एटमी मेरी नज़रों से, तो मैं अपनी नज़र ही बताना चाहूँगी। पहले मेरी नज़रों में जब एटमी आई और जब मैंने इसका प्लान देखा तो मेरी जो फर्स्ट फीलिंग थी, क्योंकि मैं हीलिंग लाइन में हूँ और हीलिंग लाइन में जब मैं क्लाइंट से मिलती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाती है, बट धीरे धीरे जब मेरी केस स्टडीज बढ़ने लगी मुझे दिख रहा था कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पैसे को लेकर स्टार्ट होती है। और उसी बीच मुझे एटमी का प्लान आया जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और मैं भी खाली बैठी हुई थी, तो मैंने इसकी डीप स्टडी की।
हैंगिल पार्क सर की वीडियो सुनी। जब ये वीडियो सुन रही थी तो मुझे यूं लगा कि हैंगिल पार्क हिप्नोथेरेपी की ही एक बात कर रहे हैं कि अपने काम को आप कैसे पैशनेट वे में करो। बट ये पैशन वर्ड तो सभी को मालूम है, बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ पैशन? पैशन होता क्या है? पैशन मीन्स जो आप सुबह शाम उठते बैठते कर रहे होते हो ना? फिर नेक्स्ट चीज आई फाइनेंशियली फ्रीडम। तो मैं अक्सर पहले जब प्लान दिखाती हूँ तो लोगों से पूछती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियली फ्रीडम। लोगों का जवाब सुन के मुझे एक ही चीज पता चला कि आज की डेट में जो भी हमारी एजुकेशन रही है, जो भी हमारे एनवायरमेंट से हमने लिया है, मनी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है। बट उस पैसे के पीछे हम बेसिक चीजों को भूल चुके हैं। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी एक एनर्जी है जो हमारी लाइफ को आगे लेके जाती है ईज वे में, बट ईज वे के चक्कर में हम काफी डिजीज को इन्वाइट कर लेते हैं। जो एटमी मुझे यूं लगा कि ये जो इजीनेस ईज को लेने के लिए हम डिजीज को इनवाइट कर रहे होते हैं, बट एटमी के थ्रू आप इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ वे में आप हील हो रहे हो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि बिना झिझक के मैं अपने क्लाइंट से इसके बारे में बात करूंगी। बिकॉज पैसे के पीछे तो हम बहुत अपना टाइम देते हैं, रेस्ट भी नहीं करते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे होते हैं, स्लोली स्लोली पैसे आ जाते हैं, बट हम इधर अपनी हेल्थ को लूज कर रहे होते हैं। तो एटमी ने हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की है जहां पे हमें खुद पहले खुद को हील करना होगा, सो दैट हमें प्रोडक्ट की नॉलेज हो कि वो किस प्लेस पे काम कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे प्लेस कर रही है। और एटमी हमेशा कहता है फर्स्ट यू बिकम अ कंज्यूमर। व्हाई कंज्यूमर? कंज्यूमिंग करते करते ही आप लर्न कर लोगे कि ये प्रोडक्ट किसको देना है और कहाँ देना है। ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली वो आपके माइंड में, इतनी सबकॉन्शियस माइंड में डीपली जाएगी कि वो धीरे धीरे आपका पैशन बन जाएगा। जब पैशन बन जाएगा तब आप लोगों के साथ प्रॉपर पोलाइट वे में सही इंफॉर्मेशन को आप सामने प्रेजेंट करोगे। जब आप प्रेजेंट कर रहे होगे वो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगी जो आपके फेस पे दिख रही होगी, क्योंकि लोग जब आपसे जुड़ते हैं वो एटमी से नहीं जुड़ते, वो आपसे जुड़ते हैं। जो भी लीडर है सारे डाउनलाइन आपसे जुड़े हैं, तो उनको फिर आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। जब आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आपके डाउनलाइन के साथ आपकी एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बन गई है और उनकी हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप परचेज कर लो, वो ऑटोमेटिक कर लेंगे। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपने गेन किया था कंज्यूम करने के बाद, फिर उसको शेयर किया, तब वो धीरे धीरे आपके ग्रुप में भी दिखेगी। बट एक बात नोटिस जरूर कर लेना आप कि ये सारे प्रोसेस में टाइम लगेगी, क्योंकि सेल्फ हीलिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। करते हम क्या है, हमने ओमेगा खाया नहीं, हमने ओमेगा सुन के मीटिंग में बता दिया। आप मीटिंग में आओ, ओमेगा खाओ, जो इंफॉर्मेशन मिली है चेक करो, स्टडी करो। सबके हाथ में गूगल है और हम यूट्यूब है हमारे हाथ में। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, प्रोसेस करो और फिर उसको प्रेजेंट करो। जैसे जैसे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी, लोग आएंगे आपसे लर्न करेंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे और लास्टली आपको मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम। नॉट ओनली मनी, हेल्थ, मेंटल पीस, पैसे आएंगे, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होगी आपकी और यू विल फील, देन यू विल फील फाइनेंशियली फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम लेने के लिए हमें टाइम लगा। 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इसके शुरुआत किसी ने की थी। स्लोली स्लोली प्रोसेस गई है और हमें आजादी मिली और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक्ट में भी आपको यही कहता है कि स्लोली स्लोली आप आगे जाओ और आपकी थर्ड जनरेशन इस फाइनेंशियल फ्रीडम को इंजॉय करेगी। और जब आफ्टर डेथ हमारी फोटो पे एक फ्रेश 3 जनरेशन माला पहनाएगी। थैंक्स गीता मैम, दैट इज माय व्यू ऑफ एटमी मेरी नजरों से। थैंक यू सो मच मैम, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंड क्रिस्पेस्ट पॉसिबल एटमी मेरी नजर से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। सो मैं बुलाना चाहूंगी अभिजीत जी को। सर प्लीज आप आएं और एटमी आपकी नजर में क्या है वो हमें बताएं। यस 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 सर, यस वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गीता मैम, जो आज आपने मुझे इनवाइट किया है इस मीटिंग में।
मेरा नाम अभिजीत है एंड मैं जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड एंड मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ एंड एटमी में मैंने ज्वाइन किया था. मेरे जो अपलाइन है वो मिस्टर बद्री प्रसाद सर जो है जिनको आज आपने सुना एंड उन्होंने सबसे पहले मेरे को एटमी के बारे में बताया था. तो एटमी के बारे में जब भी उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि यू नो दिस इज अ साउथ कोरियन कंपनी एंड तो मैंने जस्ट इग्नोर किया था. बट उसके सेकेंड डे उन्होंने मुझे कॉल किया एंड मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया. सर बोला कि यू नो मेरे को MLM में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर. मैंने काफ़ी सारे MLM कर चुका हूँ और मैंने डिस्कनेक्ट करके उनको यू नो एक मैंने कुछ देखा नहीं है एंड मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड में उनको बोला कि सर मेरे को नहीं करना है. एंड उसके बाद जब भी प्रसाद जी ने उनके जो हमारे जो सीनियर है रियाज हैदर जी के साथ जब भी उनसे कनेक्ट किया एंड उन्होंने जब भी मुझे वास्ट तरीके में एकदम डीप तरीके से जब भी उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तभी जाके मुझे इसके एटमी के बारे में अच्छे से जानकारी मिली. एंड उसके बाद उसके एक महीने तक हम लोग पूरे इसके बारे में जो एटमी का जो प्रिंसिपल है यू नो एटमी किस तरीके की कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स वगैरह है तो हम लोग ने बाहर से कुछ हम लोग को विश्वास नहीं था कि इस तरीके से MLM में हो सकता है बिकॉज हम लोग ने काफ़ी सारे MLM को ज्वाइन किए थे एंड हम लोग को वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं नजर आता MLM के फील्ड में स्पेशली बिकॉज हम लोग जॉब सेक्टर्स में काफ़ी टाइम से अभी भी काम कर रहे हैं बट MLM कंपनीज में हम लोग को वो ट्रस्ट नहीं दिख रहा था कि कुछ कंपनीज बातें तो करती थी बड़ी बड़ी बट वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे थे कहीं ना कहीं. तो जब भी हम लोग ने इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किए जैसे एक सिंपल से टूथपेस्ट और ब्रश से हम लोग ने कुछ प्रोडक्ट्स इसको ऑर्डर किए थे लॉकडाउन में एंड लॉन्च होने से पहले और उस दिन से लेके आज तक हम लोग को ये कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई भी व्यक्ति एटमी का प्रोडक्ट अगर यूज़ करता है तो वो 100% सेटिस्फाई रहता है. वो कॉन्फिडेंस ही आज हम लोग ने कैरी किया है और हमारी टीम को हम लोग ने लॉकडाउन के अंदर काफ़ी सारे शहरों के अंदर उसको डेवलप किया. ठीक है, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आई टीम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ऑफ जो रीजंस थे हमारे बट उसको सॉर्ट आउट करते 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 धीरे धीरे आज हम लोग एटमी के अंदर बने हुए हैं. अभी बात यहाँ पे ये आती है कि एटमी किस तरीके से हम लोग को हेल्प कर सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए. तो यहाँ पे दोस्तों हमको ये जानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या होता है. इट्स नॉट अबाउट मनी. ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है ये आपको एक टाइम देता है. जैसे आपको पता है दोस्तों कि काफ़ी सारे लोग जो है अपने जॉब में बिजनेस में बिजी रहते हैं. उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने फैमिली को समय दे पाए, है ना, या काफ़ी सारी चीज़ों में वो जो है टाइम अपना नहीं निकाल पाते. लेकिन अगर हम लोग ने 5 साल या अपने आपको एक विजन रखा कि मेरे को 5 साल में जो है इतना इनकम चाहिए या 5 साल के अंदर मेरे को जो है अपने आप को ये लेवल पे देखना है. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये विजन के साथ अगर हम काम करते हैं और डेफिनेटली हम लोग ये अचीवमेंट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे जो एटमी नहीं करने वाले कंपनीज के लोग भी जो है हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. जब भी मैंने ये बात उनसे जब भी सीखी कि अगर वो एटमी नहीं कर रहे तो भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हम लोग जो है खुद उसको यूज़ कर सकते हैं. राइट, तो इससे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है. अगर हम किसी से बात करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग सामने वाले को उस कॉन्फिडेंस को शेयर कर सकते हैं और यही हमें करना है दोस्तों. ठीक है, तो मेरी नज़र में एटमी जो है हम लोग को उस लेवल तक लेके जा सकती है. हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग को कई सारे जो है बिजनेस कैसे करना है, हम लोग का माइंडसेट कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एक जॉब माइंडसेट से हम लोग कैसे अपने आप को एक बिजनेस माइंडसेट में ला सकते हैं और काफ़ी सारे चीज़ों में जो है एटमी हम लोग को हेल्प करती है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए. तो आई थिंक मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे जो अपलाइन है मिस्टर बद्री प्रसाद एंड मिस्टर बिस्ट जी हमेशा मेरे को गाइड करते हैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर. तो थैंक यू वेरी मच गीता मैम, अपने अपना मेरे को इसको टीम में इन्वाइट किया इसके लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. बिकॉज अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया. आपकी बात बिल्कुल सही. जॉब माइंडसेट से निकल कर बिजनेस माइंडसेट में आना एटमी का मेन मकसद है. आप पूरी एजुकेशन में जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि जब मैं ये पढ़ लिख जाऊं तो मैं ये नौकरी करूं. तो हमें उससे बाहर आना. सो मैं अगला बुलाना चाहूंगी जसबीर कौर मैम को. मैम प्लीज आप आए, आपको होस्ट हैं और अपना नजरिया पेश करें. आप एटमी को किस नजर से देखें? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
गुड मॉर्निंग ऑल एटोमियंस. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो. हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं इस टाइम में. तो सबसे पहले आप हमारा जो क्वेश्चन है कि एटॉमी, तो अभी इंडिपेंडेंस डे हम लोग जस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सब बहुत सब अपने अपना ओपिनियन दिए, अपने बारे में बताएं फ्रीडम. तो सबसे पहले मैं इसी पे बात करना चाहूंगी कि क्या आज हम 75 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल इंडियंस, अपने आप से हम सब पूछे कि क्या रियली में हम इंडिपेंडेंट हैं हर तरीके से. एक अच्छी लाइफ जी लेना, एक अच्छी अर्निंग कर लेना, मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से कि हम उस वो इंडिपेंडेंस हो गया, हम इंडिपेंडेंट हैं. अर्निंग के साथ, अर्निंग ही हमारी मेन मोटो नहीं होती है. और मेरा जो नजरिया है एटॉमी को लेकर के, बहुत कुछ है, सिर्फ अर्निंग नहीं है. हमें यहाँ बहुत कुछ मिलती है, एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी मिलती है, अच्छी प्लेटफॉर्म मिलती है. हम किसी भी बिजनेस सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए बिजनेस करते हैं या फिर कोई अच्छी जॉब पकड़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस करते हैं तो सोचते हैं कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा. अगर बड़ा बिजनेस है तो हैवी इन्वेस्टमेंट, छोटी बिजनेस है तो छोटा इन्वेस्टमेंट. और बिजनेस अगर जॉब के लिए सोचते हैं तो अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको एजुकेशन लेनी होगी, तब तो आपको अच्छी प्लेटफॉर्म पे अच्छी जॉब मिलेगी. या फिर नॉर्मल कहीं जॉब भी करना है तो एक अच्छी आपको एजुकेशन लेनी है. बट एटॉमी प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमें एक इनकम लेने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए. क्योंकि हम सोचने वाली बात है कि एटॉमी जो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैरी, साउथ कोरिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी कैरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ उनकी खुद की एक कंपनी है, ये कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है. और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम कर सकते हैं. हम वहां से अपने आप को अपग्रेड करके वहां से सोर्स ऑफ इनकम भी ले सकते हैं. ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है. और इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग में लोग पहले आते तो सोचते हैं कि अच्छा नेटवर्किंग करना है. नहीं नहीं नहीं, नहीं रहने दीजिए. हम जब पहले किसी से डिस्कस करते थे लोग बोलते थे नहीं नेटवर्किंग है तो छोड़ दीजिए मैम, या छोड़ दीजिए सर, आगे बात मत कीजिए, बस क्या प्रोडक्ट है, कितना सेल आउट करना है, कितना परचेज करना, आप इतना बताइए. इससे ज्यादा लोग आगे बात करना भी पसंद नहीं करते थे. बट वी आर वेरी लकी कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिली है. और जब हम किसी से एटॉमी के बारे में बात करते हैं तो हम प्राउड से बोल सकते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर ही काम कर रहे हैं और आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं. और उसके लिए हमें करना क्या है, एटॉमी अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा लोग हाईटेक करके रखे कि एटॉमी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बिजनेस ऐसे करना है. बट अगर आप देखिए तो बहुत सिंपल और स्मूथ ये बिजनेस भी है और स्मूथ ये प्लेटफॉर्म भी है. क्योंकि अगर हम जब कहीं अर्निंग करने जाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर जॉब करने जाते हैं तो एजुकेशन के बारे में सोचते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है. इस प्लेटफॉर्म में तो ना तो आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा कि आप MBA या PhD किए तभी आप एटॉमी कर सकते हैं, या आपके पास बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप कैपेबल हैं तो ही आप ये एटॉमी के बिजनेस को कर सकते हैं और यहाँ से एक अर्निंग ले सकते हैं. हमें यहाँ जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरे जगह एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, ये दूसरे जगह जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, बस हमें सिंपल तो यहाँ वही करनी है. हमें अपने एक्सपेंस को, अपने प्लेटफॉर्म को चेंज कर देना है, जो हम मार्केट से लेकर के नहीं लेकर के एटॉमी में यूज कर रहे हैं, एटॉमी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारी इनकम बन रही है. आज देखिए इतना स्मूथ हमारा बिजनेस है कि हम एक पेस्ट करते हैं, हम शैम्पू यूज करते हैं, हम अच्छे सप्लीमेंट्स खाते हैं, हर एक सप्लीमेंट्स के जो प्रोडक्ट PBs हैं, हर एक प्रोडक्ट की जो PB हमारी एक्युमुलेट होती जा रही है. यानी कि समझिए एक छोटी सी जो शॉपिंग मॉल में एक छोटा सा ऑफर निकलता है तो लोग भागते हैं, अरे 1000 रुपए का प्रोडक्ट लो, 1000 रुपए की शॉपिंग करो तो 100 रुपीज कैशबैक मिल रहा है. उस 100 रुपीज कैशबैक के लिए हम लोग 2000 रुपए और खर्च कर देते हैं जो कि कोई रिक्वायरमेंट शायद नहीं भी होती है. कंपनी हमें एटॉमी कंपनी तो यहाँ पर डे हमें कैशबैक दे रही है. हम एटॉमी की एक एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारी एक एक PBs जो है हमारी एक्युमुलेट होती जा रही है और वो एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके वो हमें कैशबैक रिटर्न दे रही है. तो हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस शॉपिंग मॉल पे क्यों ना ज्यादा से ज्यादा जाएं. और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ शॉपिंग नहीं कर रहे हैं कि नहीं इस मंथ हमें या आज हमें एटॉमी के शैम्पू ही शॉपिंग करनी है, एटॉमी के पेस्ट ही यूज करनी है या एटॉमी के सप्लीमेंट ही यूज करनी है. हमें तो किसी तरह कंडीशन भी नहीं है. एटॉमी तो प्लेटफॉर्म कह रही है यूजर बनिए, आप यूजर क्रिएट कीजिए. तो जो आपकी यूज है, जो आपकी नीड है, वो यूज कीजिए.
ऑटोमेटिक आपकी पीओड बनना शुरू हो जाएगा। और मैं तो एक मैसेज हर वुमेन्स को, हर हाउस वाइफ को देना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि फ्रीडम तो हमें मिल गई लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बंधन में बंधे हुए हैं। एक टाइम पीरियड आने के बाद, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, एक टाइम पीरियड आने के बाद अपने ड्रीम्स को वहीं पर लॉक कर देते हैं, अपने फैमिली के लिए या फिर किसी भी कंडीशन में, छोटी हो चाहे बड़ी हो, पहले सोचते हैं अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। नहीं, पहले हमें वो कर लेना है। अगर वहां से अगर वो सेविंग हो जाती है तो इस ईयर हम लोग टूर पे जाएंगे, या इस ईयर हम लोग एक व्हीकल्स ले लेंगे, या इस ईयर हम लोग एक बैंगलोर बना लेंगे। हमारी ड्रीम कहीं ना कहीं आके फुल स्टॉप या कॉमा लग जाती है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है हर वुमेन्स के लिए भी, हर लोग के लिए है, कि यहाँ आप डे बाय डे स्मूथली स्लोली स्लोली अपने ड्रीम्स तक आप पहुंच सकते हैं। आपकी ब्रेक नहीं लगेगी एक एज होने पे, एक आपकी जब आप एक फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी फैमिली बन जाती है, आपकी खुद की फैमिली में हो जाती है, तो वहाँ हम लोग स्टॉप लगा देते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। यहाँ आप या एजेंट लेवल पे आप रहिए, या आप सेल्स मास्टर बन जाइए, किसी भी आप लेवल पे रहिए, आपकी जो ड्रीम्स है वो डे बाय डे आपकी फुलफिल होती जाती है। आप अपनी उड़ान की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उड़ान आपको भरनी है, आसमान तो पूरा खाली है। यहाँ अगर क्वालिफिकेशन कुछ चाहिए तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी एक अपनी सेल्फ मोटिवेशन, कि आप खुद अपने आप को कितना मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोग अगर सिर्फ हमें पैसे अर्निंग की अगर बात हो तो हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अच्छे या बुरे कोई भी काम कर सकते। बुरे काम में तो ज्यादा अर्निंग होती है, बट हमें अर्निंग करनी है, हमें अर्निंग भी करनी है, नीड भी हमें है। ऐसा नहीं कि पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, हम सिर्फ यहाँ अर्निंग के लिए नहीं है, तो नो, इट इज रॉन्ग। हमें अर्निंग भी है चाहिए, अर्निंग तो हमें चाहिए, क्योंकि विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अर्निंग के साथ हमें चाहिए एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा आपका प्लेटफॉर्म, एक अच्छी इन्वायरमेंट, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है। हम हर प्लेटफॉर्म से अर्निंग तो ले लेते हैं, लेकिन जरा प्रैक्टिकल सोचिए, अपने आसपास के एरिया में किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे बिजनेस आप कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर आप थोड़ा भी ग्रोथ कर रहे हैं तो सामने वाला देख के सोच रहा है, अरे वो टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स तो बहुत बढ़ रहे हैं क्लास में, उनकी बैच तो बहुत ज्यादा जम रही है, या बिजनेस है तो उनकी भाई पर डे उनके दुकान में तो कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। मैंने कुछ ना कुछ उनके माइंड में घूमता रहता है कि क्या हम ऐसा करें कि उससे हम आगे हो जाए, वो कहीं ना कहीं से ब्रेक लग जाए। बट आप देखिए, ये इस प्लेटफॉर्म पे, एट ऑल प्लेटफॉर्म, आज हम लोग इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग ग्रुप्स हैं, हर लोगों की एक ही मोटो है, एटॉमी फैमिली को कैसे प्रोग्रेस किया जाए, कैसे हर लोगों की टीम को एक्टिव किया जाए। तो यहाँ पे कोई ये नहीं देखते वो उनके ग्रुप के हैं, वो उनके टीम की हैं, या वो कर रहे हैं, या हर लोग एक हो करके, एक मतलब माला बन करके एटॉमी पूरी फैमिली को पिरो करके एटॉमी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरे से लोग यहाँ सीख रहे हैं। मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं सिंपल एक हाउसवाइफ भी हूँ, इससे पहले मैंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया इस इंडस्ट्री से जुड़ करके, तो मैं यहाँ बहुत कुछ सीखी हूँ। और अगर बोला जाए तो बहुत ज्यादा अर्निंग मनी नहीं की हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ अर्निंग कर लिया है, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और पर डे सीखती हूँ इतने सारे लोग से। तो ये एक अचीवमेंट आपको इस प्लेटफॉर्म से ही मिलती है। अगर आप एक सक्सेस आप होते हैं, किसी भी आप लेवल पे जाते हैं, तो आपके सक्सेस को सिर्फ आप नहीं सेलिब्रेट करते, आपकी टीम सेलिब्रेट नहीं करती, पूरी इंडिया सेलिब्रेट करती है। जितने एटॉमियंस है सबके स्टेटस में देखिए आपकी फोटो लगी होगी, आपको पता भी नहीं आप किसके टीम से, आप कौन है क्या है, बट आपकी उनके स्टेटस में आपकी फोटो जरूर लगी है। अभी रिसेंट एक मैम सेरन रोज मास्टर बनी है, जो हमें ट्रेनिंग देती है प्रोडक्ट्स की, उनकी देखिए हर स्टेटस, हर फेसबुक, हर व्हाट्सएप में उनकी पिक आ रही है। मैंने जब लगाया तो मुझसे बहुत लोग पूछे कि ये कौन है, क्या है ये। तो ये एक अचीवमेंट होती है इस प्लेटफॉर्म की। बट आप किसी बिजनेस या आप किसी जॉब में जाइए, आज आपकी अगर प्रमोशन हो गई है तो आपकी जो अपने कलीग्स हैं वो मुंह पे आपके बड़ाई कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन कर देंगे, पीठ पीछे जरूर कुछ दो कमेंट्स करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी कंपनी का मोटो सम्यूनिटी, हम लोग कहते ना कि आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज ये है, आज वो है, आज पुण्य करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, चलो मंदिर में जाकर के दान देते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं अच्छे कर्म के लिए, अच्छे पुण्य के लिए। लेकिन अगर मेरी नजरिए से देखिए तो ये भी एक हमारा पुण्य का काम हो रहा है। आप किसी को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप किसी को बिजनेस दे रहे हैं, आप एक फैमिली को खड़ा कर रहे हैं। अगर एक फैमिली में एक बंदा अगर खड़ा हो जा रहा है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम हो जा रही है, तो ना कि आप उस एक एटॉमियन को नहीं दे रहे हैं, उनके फोर फैमिली मेंबर्स, फिफ्थ फैमिली मेंबर्स को आप खड़ा कर रहे हैं,
उनके बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए आप एक सिस्टम दे दे रहे हैं कि आप वहां से कंटिन्यू अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। इससे बड़ा सर्वनोटी, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है? अगर आप इस नजरिए से देखते हैं एटॉमिक को, तो मुझे लगता है कि हर लोग ऑटोमेटिक भागे भागे आएंगे कि नहीं, मुझे एटॉमिक करनी है, मुझे एटॉमिक के प्रोडक्ट को यूज करना है। और उसके लिए मैं करना भी क्या है, एटॉमिक के प्रोडक्ट को यूज करना है। और ठीक, मैं अभी जस्ट एक मैम ने शेयर किए कि हम एटॉमिक में सो जाते हैं, बिजनेस करते 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 रुक जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बट मैं रुकी नहीं, मैं शेयरिंग करती रही। तो ऐसा नहीं है, हर एटॉमिक कोई भी सोता नहीं है। अगर आप कहीं चर्चा भी कर रहे हैं तो आपके सिस्टम ऑन है, तो वो एक छोटी सी बात है, लेकिन उसको हमको अपने जहन में, अपने हैबिट में, अपने नेचर में लाना होगा कि अगर हम कहीं हैं तो हम एटॉमिक से हटके नहीं है, एटॉमिक को अपने साथ हम लेके चल सकते हैं। आप फैमिली में, फंक्शन में जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, छोटी सी चर्चा करिए कि हम भाई एटॉमिक कर रहे हैं, एटॉमिक के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं किसी तरीके से। तो एक प्राउड फील करके बोलिए आप, क्योंकि आप कहीं इधर उधर प्लेटफॉर्म में नहीं, आप किसी को कहीं गड्ढे में नहीं करा रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं तो उनको रिटर्न मिल रहा है, एक अच्छी प्लेटफॉर्म आपको मिल, अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि उठो, फेस वॉश करो पानी से, बेसिन में जाओ, कॉलगेट पेस्ट है ब्रश कर लो। अब वो कॉलगेट पेस्ट हमारे लिए कितना बेनिफिट है या हमारे दांतों कितना, वो हमें नहीं पता, बट हमें शुरू से सिखाया गया, हमें बचपन से हमने देखा है कि हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन कॉलगेट पेस्ट यूज कर रहे हैं, तो बस हमें भी दांतों की सफाई करनी है तो ब्रश में लेनी और करनी है। ये इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है कि यहाँ चाहे हमारा एटॉमिक का पेस्ट हो या हमारा एटॉमिक का बर्तन धोने का स्क्रबर हो, एक छोटे छोटे प्रोडक्ट के बारे में कंपनी खुद डायरेक्ट अपनी ट्रेनिंग दे रही है, आपको डिटेल बता रही है। आप एटॉमिक के बिजनेस को आप थोड़ा साइड कीजिए, अगर अपने बारे में अगर आप सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि आज हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो हम फल मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, किस लिए लाते हैं? बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। तो हम लोग बेस्ट देखते हैं कि नहीं भाई, जो महंगा है वो अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि वो कॉलगेट है तो हमारे लिए कितनी, वो हमारे ओरल केयर को कितना हेल्दी बनाएगा, लेकिन यहाँ कंपनी एक एक प्रोडक्ट को आपको डिटेल से बाकायदा अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है, टेक्नोलॉजी से लेके, इंग्रीडियंट से लेकर के, सिस्टम से लेके, हर चीज आपको बता रही है कि ये आप यूज करते हैं तो ये आपको रिजल्ट होता है, ये आप यूज करेंगे तो आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा। तो कम से कम अपने लिए देखिए, बिजनेस को साइड कीजिए। अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है सिर्फ एटॉमियंस बनने से, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन्हें हमें बिना फीस का, बिना कहीं एडमिशन लिए इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है कि अगर आज हर लोग जितने एटॉमिक में है, सभी को पता है कि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स हमारे लिए क्या फायदा करता है या वो है क्या, बट शायद इससे पहले बहुत कम लोग जानते होंगे प्रोबायोटिक्स भी क्या है। मुझे मैंने बहुत कम लोग जानते हो या मैं भी सारे जानते भी हो कि प्रोबायोटिक्स क्या है या प्रोबायोटिक्स हमारे लिए क्या बेनिफिट करता है, लेकिन एटलीस्ट आज के डेट में ये तो हर एटॉमियंस को पता होगा कि प्रोबायोटिक्स हमारे लिए क्या है। मैं आज बहुत अपने आप में कभी कभी महसूस करती हूँ, मैंने बहुत अपने खास एक फैमिली मेंबर्स को खो दिया कैंसर के कारण, कैंसर पेशेंट थे वो। आज जब जब हीमोहीम की ट्रेनिंग होती है, चर्चा होती है, तो मन में एक मलाल होता है, काश मैं इस हीमोहीम के बारे में पहले जानी होती या ये प्रोडक्ट पहले आया होता। तो एटलीस्ट आज हम ये सारे प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हैं तो अपने फैमिली को तो सिक्योर कर रहे हैं, एक अच्छी चीज तो उन्हें दे सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं आने वाली कई चीजों से कि नहीं भाई आप ये एल सप्लीमेंट हम अपने घर में अगर यूज कर रहे हैं तो हमारी फैमिली क्योर हो रहे हैं। तो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ये एटॉमी अगर मेरी नजर में देखिए तो बहुत कुछ है, पर टाइम बहुत कम है, बहुत सारे स्पीकर है, अच्छी प्लेटफॉर्म है वुमेन्स के लिए भी। थैंक यू सो मच सभी को कीजिए। थैंक यू सो मच गीता मैम। थैंक यू मैम। एंड मैं देख पा रही हूँ दो स्पीकर हमारे शायद एग्जिट कर गए हैं, केडी चंदोला जी और दीपक रावत जी। अगर वो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो मैं उन्हें जरूर रिक्वेस्ट करूंगी बात करने के लिए। सो मैं बुलाना चाहूंगी सीमा खरे मैम को। मैम प्लीज आप आए और अपनी बात कहें, एटॉमी आपकी नजर में क्या है? हेलो जी मैम, मैं सीमा खरे सबका वेलकम करती हूँ। मैं आवाज क्लियर है मेरी? जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। सभी एटॉमियंस को मेरा नमस्कार। मैं सीमा खरे फ्रॉम न्यू दिल्ली से। थैंक यू गीता मैम, आपने मेरे को इस मंच में आमंत्रित करा बोलने के लिए। मैडम मेरी नज़र से तो यही था कि एटॉमी को मैं पहले जानती नहीं थी, मैं एक हाउसवाइफ ही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे,
तो सब ठीक चल रहा था, जब ही कोरोना टाइम आया तो कोरोना ले बहुत सारी मुसीबतें लेकर आया, तभी मेरी मुलाकात प्रतिभा सक्सेना दीदी से हुई, तो उन्होंने मेरे को अटामी से जोड़ा, तो मैंने देखा कि इसके वही प्रोडक्ट हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली डेली हम यूज़ करते हैं, तो मैंने धीरे धीरे करके मैंने बाहर से प्रोडक्ट ना लेकर यहाँ से लेना शुरू कर दिया, तो उसके प्रोडक्ट इतने इतने ज़्यादा बढ़िया थे तो मैं आपको बता नहीं सकती कि एक बार जो है मैं जो है अपने मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं एकदम गिर गई थी, तो जिससे मेरे चेहरे पे जो है सारी सूजन आ गई थी, मेरी आईज के ऊपर भी सूजन आ गई थी, तभी मैंने इनकी पेस्ट जो है थ्री डेज मैंने लगाई, जिससे मेरी जो है सारी सूजन वगैरह सब कुछ मेरी हट गई, तो मेरे को और अधिक विश्वास हो गया कि इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, तब मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं अपनी टीम बनाना शुरू करा और मैंने सबको जो है ये अपनी बताया, मैंने ऐसे ऐसे मेरे प्रोडक्ट मैंने ये यूज़ करा है जिसकी वजह से जो है मैंने मेरी सारी ये स्पेलिंग वगैरह चली गई है, तो मेरे साथ लोग जुड़ने लग गए, घर बैठे ही ये सब मैंने काम किया, पहले जो है मैं जो है बोल नहीं पाती थी, आज मैं सबके सामने बोल पा रही हूँ और मेरे को इतना विश्वास हो गया है कि आज मैं घर बैठे ही सब कुछ कर रही हूँ, आज मेरी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है और मैं जिस तरह से प्रतिभा दीदी मेरे को गाइडनेस करती रहती थी, मतलब सिखाती रहती थी, वैसे ही आज मैं टीम को सिखा रही हूँ और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आज जो है आज अपने घर बैठे जो है इनकम भी कर रही हूँ और साथ में आज मेरा जो है विश्वास पक्का हो गया है कि मैं आज जो है घर बैठे ही सब कुछ कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत कुछ है, एटॉमी मैंने मेरे को बहुत कुछ दिया है और मैं जो है धन्यवाद हूँ एटॉमी के लिए बहुत बहुत कि आज मैं जो है सब कुछ बोल पा रही हूँ आप सबके सामने, तो मैं प्रतिभा दीदी को भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि दीदी ने मेरे को इस मंच से बोला, मंच से जोड़ा मेरे को दीदी ने, तो थैंक यू गीता मैम, मेरे लिए एटॉमी बहुत कुछ है। थैंक यू सीमा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आकर वीडियो ऑन करके बात कहना भी हर किसी के बस की बात नहीं है और डायरेक्ट दिल से कनेक्ट होती हैं कुछ बातें। मैं बुलाना चाहूंगी आशुतोष त्रिपाठी को। लीडर्स ये आपको बताएंगे कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की नजर में एटमी क्या है, और मैं इसमें ऐसे ऐड करना चाहूंगी कि ये है जूनियर अंबिका प्रसाद त्रिपाठी जी। तो एक फादर ने क्या देखा कि उन्होंने अपने बच्चे को जो कॉलेज में जाने वाला है एटमी से प्लग किया, ये बहुत बड़ी बात है, ये हम सबको सीखने की जरूरत है, ये हम सबको एक दूसरे को बताने की जरूरत है कि कैसे हमें इतना विश्वास है एटमी पर, एटमी की ग्रोथ पर, एटमी के एथिकल बिजनेस पर, कि एक फादर अपने बेटे को इस बिजनेस में बिल्कुल करियर के शुरुआत में ही प्लग इन कर देते हैं। सो आशुतोष प्लीज आप आए और अपनी बात कहें, आपकी नजर में एटमी क्या है? थैंक यू सो मच मैम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी दिल्ली से आप सबके बीच आज इस मंच पे आज के इस स्पेशल डे इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में आप सबने इनवाइट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या आज हम जो भी काम कर रहे हैं अपने घर में हो चाहे किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जाता है, जिनकी वजह से आज हमारा भारत आज़ाद है, सब लोग अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं तो सब जानते हैं अपनी हिस्ट्री, 200 साल हमारा देश गुलाम रहा, तो उनको ज़रूर याद करना चाहिए, उनको दिल से हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम उनकी वजह से आज फ्रीडम एकदम फ्री होके अपनी चीज को कर पा रहे हैं। और रही बात, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें एज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट, तो एटमी को चुनना क्यों इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ एटमी ही क्यों, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी पीछे के बैक ड्रॉबैक्स रहे, पहले भी बहुत सारे लोग के अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो क्यों होता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते ही भाग जाते हैं कि नहीं ये नहीं करना है हमें, कुछ और करना है हमें, कुछ और करना है। लेकिन एज ए स्टूडेंट क्यों चुना गया, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ कि एटमी की सबसे पहली चीज़
अगर कोई स्टूडेंट है या वो किसी प्रोफेशन में है या कोई जॉब कर रहे हैं या हाउसवाइफ है, वो अगर किसी भी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप कंपनी को एनालाइज करें पहले, उसकी मीटिंग में देखें प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, उसमें कौन कौन सी की फैक्टर्स हैं जो हमें पसंद आते हैं। मुझे जो चीज़ें पसंद आई जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं उस टाइम 12th में था, तो जब मीटिंग वगैरह चलती थी बहुत सारे, ज़्यादा नहीं 8-10 लीडर्स होते थे उस टाइम पे, उनमें से पापा भी थे, तो यही लोग मीटिंग करते थे, तो मैं देखता रहता था, सुनता रहता था, थोड़ा बहुत समझ आता था। बाद में धीरे 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 और डीप में जाता गया, देखता रहा, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि जितने भी लोग हैं आज मुझसे, बहुत सारे लोग हैं जो उम्र में बड़े हैं, अलग अलग ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैं, कोई IAS है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई CA है, सब लोग अलग अलग पोस्ट पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली एटमी के साथ जुड़े, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा कि वो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढ रहे हैं जिससे आज वो जो चीज़ इनकम अर्न कर रहे हैं, जिसे एक्टिव इनकम कहते हैं हम, तो एक्टिव इनकम तब तक ही चलती रहेगी जब तक हमारी प्रेजेंस रहेगी, जब तक हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा कि हाँ, हमारी बॉडी पार्ट का जो इंजन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, तो कभी ना कभी तो रिटायरमेंट होगी, उसके बाद देन फिर क्या करेंगे, आगे जो फैमिली है वो बढ़ेगी, उसके लिए क्या सोचेंगे, तो हमेशा वो चीज़ एक दिमाग में टेंशन लगी रहती है। अगर जॉब भी करते हैं तो 50, 55, 60 तक की एज तक काम करते ही रहते हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इतना काम करने के बाद जो लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो यहाँ पे करने के बाद फिर भी एक अलग से पोटेंशियल दे रहे हैं, अलग से टाइम दे रहे हैं एटमी के अंदर, वो ये है कि पैसिव इनकम। अगर आज एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप कोई और आपको प्रोफेशन भी पसंद है कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर IT सेक्टर में जाना है, आप जाइए, लेकिन एटमी को जरूर चुनिए। क्यों? क्योंकि एटमी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ एक्टिव इनकम से आप शुरू करते 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 कहीं ना कहीं विद इन 5 years, 10 years, 20 years पैसिव इनकम की ओर पहुंच सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, हर किसी का जब वो एक न्यू लाइफ में आगे बढ़ता है कि धीरे धीरे ग्रेजुएशन के बाद जॉब या बिजनेस करते हैं, तो आगे चल के माइंडसेट एक तैयार होता है, बिल्डअप होता है कि नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो क्या करेगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा घटना हो गई अगर, तो उसके बाद फैमिली क्या करेगी मेरी। तो एटमी के अंदर वो चीज़ है, फ्रीडम इसमें हर तरीके की है, आपके ऊपर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी है या आप पर्टिकुलर यही चीजें कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरी फ्रीडम है। और साथ साथ आप अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, इसको चल के आप अपनी अगली पीढ़ी तक को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि इसमें आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आप अपनी एक तरीके से एक राज्य साम्राज्य बना रहे हैं, अपना साम्राज्य आपने बनाया, आपने मेहनत की, अब उस साम्राज्य को आप आगे एज अ विरासत के तौर पर अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। उन्हें क्या करना होगा, उन्हें सिर्फ उस साम्राज्य को ऑब्जर्व करके उसे पूरी तरीके से और आगे बढ़ाना है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट रहा। और पैसिव इनकम जो सब लोग ढूंढ रहे हैं एक सोर्स, कि हाँ कोई 15 साल भी काम कर रहा है, तो 15 साल में हो सकता है जितना आप एक साइड बाय साइड जो आप जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं उससे जितना आ रहा है, हो सकता है आज नहीं 5 साल 10 साल बाद एटमी के साथ एक फ्लो में ही विटामिन एम की बारिश हो, और डेफिनेटली होगी अगर टिके रहेंगे तो। सो ये मेरा सबसे जो बड़े रीजंस रहे कि एटमी को चुनने का, तो यही मेरे रीजंस हैं कि एटमी के साथ लगा रहूं। और इस उम्र में अगर कर रहे हैं तो अगर 30-35 की एज तक आते आते रिटायरमेंट आप वहां तक सक्सेसफुल हो गए, सक्सेस का कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि फाइनेंशियली ही आप फ्रीडम है तो भी आप सक्सेसफुल हैं। एक आर्मी मैन के लिए सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, वो कहीं विक्ट्री अगर पा लेता है तो उसके लिए वही उसकी सक्सेस है। एक फार्मर किसानी कर रहा है, उसकी खेती अच्छी चलती है, उसके लिए वो सक्सेसफुल है। एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस का कोई वो नहीं है, बट हाँ जो हमारे कुछ ऐसे हमारे जरूरत है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करती है, वो ज्यादातर चीजें इंटरलिंक्ड हैं फाइनेंस से, तो कैश से, पैसों से रिलेटेड है। तो पैसों को जंजाल से बाहर निकलना है तो उसके लिए कम एज में एटमी अगर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली एट द एज ऑफ 30-35 तक आते आते फ्रीडम हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि रिटायरमेंट होगी तो काम नहीं करेंगे, काम तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं करेंगे।
आप उसके बाद अपनी एंजॉयमेंट में आराम से, आप जहाँ भी हैं, आप किसी और देश में हैं, वहाँ भी जाके आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और आगे से बढ़ा सकते हैं। सो यहीं तक मेरी वर्डिंग्स थी। मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गीता मैम एंड टू ऑल आर ग्रेट एटोमियंस। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष बेटा। इस बच्चे की जो वर्डिंग्स है वो वाकई काबिले तारीफ है और आप सबकी तरफ से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज इमोजीज के थ्रू इस बच्चे की हौसला अफजाई करें, क्योंकि इस उम्र में इतनी क्लैरिटी का होना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं आप सब से अपेक्षा करती हूँ कि इमोजीज के थ्रू, क्लैप के थ्रू या चैट के थ्रू इस बच्चे की हौसला अफजाई करें, क्योंकि एक फादर ने एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जो फ्यूचर देखा वो उस फादर का सपना था। एक डॉक्टर का अपना सपना है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर बना पाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इनके फादर ने एक विजन देखा, उस विजन को ट्रांसमिट किया अपने बच्चे के विजन में, और देखिए कितनी बखूबी उन्होंने उस चीज को आपके सामने रखा। ये है एटमी हम सबकी नजर से। दोस्तों अगर आपको याद हो 2021 में एटमी का थीम दिया गया था बाय डॉक्टर हैंगेल पार्क सर एंड लाइफ। मैं उसके साथ इस सेशन को कंक्लूड करूंगी। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और मैं आशा करती हूँ कि हम सब ने इन सभी से बहुत कुछ सीखा। हमारी वोकैबुलरी में इतना ज्ञान वर्धन हुआ है, हमने ग्रोथ माइंडसेट के साथ उसको अडैप्ट किया है और उसी को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या इन जनरल हम किसी से एटमी के प्रोडक्ट्स की डिस्कशन करते हैं, तो ये वर्ड्स हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। सो क्या था थीम 2021 का? थीम था एंड लाइफ। हम लोग सारी जिंदगी और लाइफ जीते रहे हैं, हमें आदत है और लाइफ की, या तो खुशी मिलेगी या समय मिलेगा, या पैसा मिलेगा या घर में सबका प्यार मिलेगा, या हम काम पे जाएंगे या छुट्टियों का एंजॉय करेंगे। तो जो ये या है ना, और हमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा जगह बना चुका था कि या तो हम ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। काम कर रहे हैं तो उसे एंजॉय कम ही लोग कर पाते हैं। आज अगर मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कहीं जाना है, तो आप नौकरी पर भी, काम पर भी, प्रोफेशन में भी चले जाएं और अपना ध्यान भी रख पाएं, ये नहीं पॉसिबल था। लेकिन हमारी नजर में एटमी ने वो प्रावधान कर दिया, वो प्रोविजन कर दिया कि हम एंड लाइफ जी सके। एंड लाइफ कैसे? हेल्थ के प्रोडक्ट्स को यूज करते करते, उसका लोगों को बेनिफिट बताते बताते हम वेल्थ की तरफ जा रहे हैं। ये है एंड लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। हम एक एंटरप्रेन्योर हैं क्योंकि हमने ये बिजनेस माइंडसेट से काम स्टार्ट किया है। एक एंटरप्रेन्योर होते हुए हम जॉब प्रोवाइडर भी हैं। हम मौका देते हैं लोगों को कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए, अपने खर्च को कमाई में बदलने का हमें जरिया बताते हैं। हम समझ में आएगा तो जरूर वो कामयाब होंगे, और अगर उनको किसी भी चीज का शक शुबा है, किसी भी चीज का डाउट है, वो डाउट क्लियर होगा इन सब लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे। फिर आता है प्रोडक्ट भी खरीदेंगे और पॉइंट्स भी कमाएंगे। प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट्स, अगेन एंड लाइफ। फिर आता है फ्रीडम एंड वर्क। हमें आजादी भी है और हम काम भी कर रहे हैं। अगर एक सेशन अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से, तो दूसरे सेशन में या YouTube लाइव में जाकर के हम उन चीजों को सीख सकते हैं। ये है एंड लाइफ। एंड फाइनली, आज के दौर में गारंटी कोई नहीं देता। आप पूछ के देखिए, वो आपको एक अजीब सी निगाह देंगे। गारंटी भैया जी आज के समय में नहीं मिलती, आज तो इंसान की गारंटी नहीं है, आप सामान की मांगते हैं। तो हमें मिलती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स और उसके साथ उसकी गारंटी। ये है एंड लाइफ इन एटमी। कहने को बहुत कुछ, समय की कमी। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।